Judges chapter 11 verse 29 to 39. इस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्तह को प्रेरित किया। यिफ्तह गिलाद और मनसे को पार कर गिलाद के सिप्पा नमक स्थान पहुंचा और वहां से आमोनियों के यहां आया। यिफ्तह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत खानी, यदि तू आमोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटेगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी आगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्तह आमोनियों को विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको इसके हवाले कर दिया। यिफ्तह ने अरोएर से मिन्नीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक आमोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार आमोनी लोगों इसराइलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्तह मिस्पा से अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकल कर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवारी करने आई। वह प्रकी अकेली संतान थी, उसके सिवा यिफ्तह के न तो कोई पुत्र था न कोई पुत्री। यिफ्तह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने
उत्तर दिया, पिताजी आप प्रभु को वचन दे चुके थे, आप मेरे विषय आपने मेहनत पूरी पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने कुशत्रुओं से आमोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए जिससे मैं पहाड़ पर जा कर अपनी सखियों के साथ अपने कुवारेपन का शोक मनुआ। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ स्वर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इज़राइल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ। ये प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद।